वेलकम बैक गाइस, विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, उसका सलूशन कराने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 13 का एंड 14 का फ्रॉम द बुक ऑफ टीएस ग्रेन। गाइस पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। इसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है? कंप्यूट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। उसमें हमें क्या गिवन है? नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रोविजन फॉर टैक्स एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, और उसके बाद क्या गिवन है हमारे पास? प्रोविजन फॉर टैक्स फाइनल डिविडेंड पे ड्यूरिंग द ईयर, ओके गाइस, और डेप्रिसिएशन एंड लॉस ऑफ सेल ऑफ मशीनरी, पेटेंट्स अमोर्टाइज्ड, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड एंड इनकम टैक्स रिफंड। गाइस हमें कैलकुलेट क्या करना है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो इसमें हमें सबसे पहले, मैंने देखो ये इस पेज को मतलब पूरे बोर्ड को दो हिस्सों में बांट लिया है, तो एक पेज और दो पेज। अगर मेरे को यहाँ स्पेस कम मिलेगी तो मैं उस पेज पे शिफ्ट हो जाऊंगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमें हेडिंग बनाना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 13, तो मैंने लिख लिया है। यहाँ लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है जी, ओके। तो सबसे पहले क्या आएगा? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमें क्या नेट प्रॉफिट गिवन है? गाइस हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर गिवन है, आफ्टर प्रोविजन ऑफ टैक्स एंड डिविडेंड, ठीक है गाइस। तो इसमें कितना प्रॉफिट गिवन है? राइट, कितना प्रॉफिट गिवन है? 215,000। तो मैं यहां पे 215,000 लिख दूंगा। अब सबसे पहले हमें क्या ऐड करना है इसमें, ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड कर दो, एंड प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है गाइस? प्रोविजन फॉर टैक्स 45,000 का, ये 45,000 हमें ऐड बैक करना है, और साथ में क्या करना है? ऐड प्रपोज्ड डिविडेंड। क्या करना है हमें? फाइनल डिविडेंड है, प्रपोज्ड डिविडेंड नहीं है इसमें, फाइनल डिविडेंड जो पेड है वो ऐड करना है। तो इसको सिंपली हम डिविडेंड भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो डिविडेंड कितने का पे हुआ है? 50,000 का, तो 50,000 का हमें इसको ऐड कर देना है, ओके। तो गाइस ये क्या आ जाएगा? 215,000, 215,000 में 45 और 50,000 हम अगर ऐड कर देते हैं तो टोटल बन जाएगा 310,000, ठीक है जी। ये क्या बन जाएगा? 310,000। तो गाइस ये 310,000 हमारा क्या आ गया? नेट प्रॉफिट बिफोर, ठीक है जी, टैक्स एंड डिविडेंड एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स ये आ जाएगा, ठीक है जी। अब उसके बाद उसने हमें क्या बताया है? हमें नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को एडजस्ट करना होता है, ठीक है। अब यही 310,000 को मान मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एनपी बिफोर करके यहाँ पे लिख देता हूँ, बिफोर टैक्स कितना आ गया? 310,000। ये 310,000 में अब मेरे को क्या करना है? अगली आइटम देखिए, नॉन ऑपरेटिंग को एडजस्ट करना है ना हमें। नॉन ऑपरेटिंग में अब हमारे पास क्या आ जाएगा? डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऐड करनी है हमें, तो यहाँ पे लिख लो ऐड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस, इसको हमें ऐड करना है, और इसके अंदर कौन सा हमारे पास? डेप्रिसिएशन। तो गाइस डेप्रिसिएशन को हमें क्या करना है इसमें, बोलो, डेप्रिसिएशन को इसमें ऐड बैक करना है, और डेप्रिसिएशन हमारे पास कितनी है? 25,000 की। डेप्रिसिएशन कितने की आ रही है गाइस? 25,000 की। और उसके बाद अगला क्या है? लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, वो ऐड करनी होती है, तो इसमें क्या करेंगे? दोबारा लिखूंगा लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ठीक है जी। और ये कितनी है लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी? 10,000 की। इसको भी हम क्या करेंगे? ऐड बैक कर देंगे, ठीक है जी। और उसके बाद नेक्स्ट आइटम क्या है? पेटेंट्स अमोर्टाइज, तो वो भी डेप्रिसिएशन है, तो इसमें भी लिखोगे पेटेंट्स, पेटेंट्स अमोर्टाइज, राइट, ठीक है। कितने के आएंगे पेटेंट्स अमोर्टाइज? 30,000 के। तो वो ये 30,000 के मैं यहाँ ऐड कर दूंगा, राइट। तो ये अब हम उसके बाद हमें क्या करना है? इसको ऐड कर लो, ये 25, 10, 35, 35 और 30, 65 और 3, 10, ये आ गया 375, ये 375,000। और इसमें से अब हमें क्या करना है? लेस मेरे को क्या करके दिखाना है? नॉन ऑपरेटिंग एंड फाइनेंसिंग, सॉरी नॉन कैश, नॉन कैश इनकम, इसको हमें लेस करना है।
अब उसके फॉर्म में क्या है मेरे पास, गेन है, ठीक है, गेन को लेस करना है, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड। तो फिक्स एसेट का जो गेन है वो हमारा क्या है बेटा, नॉन ऑपरेटिंग गेन है, तो इसको हमें लेस करना है, वो है 70,000 का, तो 70,000 में यहां से लेस कर दूंगा। और उसके बाद क्या है, टैक्स रिफंड है, रिफंड ऑफ टैक्स, उसको भी लेस करना है, रिफंड ऑफ टैक्स, उसको भी क्या करना गाइस, लेस करना है, और उसमें क्या है 30,000, क्या गाइस 30,000, और ये कितना आ गया 2,75,000, ये कितना आ गया गाइस 2,75,000, और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, ठीक है जी। और उसके बाद यदि आप ध्यान से क्वेश्चन देखो तो उसमें वर्किंग कैपिटल की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो हमें वो हम उसको स्किप कर देते हैं। और उसके बाद आप देखें कि हमें जो टैक्स वाला ये वाला था टैक्स, कहां का टैक्स, ये प्रोविजन फॉर टैक्स, ये माइनस करना पड़ेगा इसमें से, तो इसको कर दो लेस प्रोविजन फॉर टैक्स, क्योंकि यही अब हमें टैक्स पेड के फॉर्म में दिखाना है, प्रोविजन फॉर टैक्स, और वो कितने का गाइस 45,000 का, 45,000 का यहाँ पे मैं लेस करूंगा, ठीक है गाइस। और साथ में ऐड क्या कर देंगे, रिफंड ऑफ टैक्स, रिफंड ऑफ टैक्स, बिकॉज हमें माइनस इसलिए किया था, रिफंड ऑफ टैक्स इसलिए माइनस किया था क्योंकि ये ऑपरेटिंग इनकम नहीं थी, लेकिन अल्टीमेटली कैश में तो ऐड हुआ ही है ना, और टैक्स किससे रिलेटेड होता है, बिजनेस के प्रॉफिट से रिलेटेड था, इसलिए हमें उसको अब यहाँ ऐड करके भी दिखाना है। तो गाइस ये कितना आएगा 30,000, तो 30,000 इसमें मैं प्लस कर दूंगा, तो अल्टीमेटली यदि आप देखो तो ये 30,000 15,000 हो गया माइनस का, और 2,75,000 में से जाएगा तो बनेगा 2,60,000, तो गाइस क्या बनेगा 2,60,000 बनेगा। और ये क्या आ गया, इसको हम लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो ये आ जाएगा आपका आंसर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है जी। तो आंसर मिलाइए जरा, यही है, यस 2,60,000। तो गाइस ये रहा क्वेश्चन, ठीक है, आप इसको आराम से नोट कर सकते हैं स्लो करके पॉज करके, ठीक है जी, बहुत इजी एक्सप्लेनेशन है। उसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी सेंड करिए, मैं उसका सुटेबल रिप्लाई आपको जरूर दूंगा, ठीक है गाइस। तो ये तो रहा क्वेश्चन नंबर 13, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14 में उसने दो टेबल बना के दिए हैं, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कह रहा है कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, वो तो चलो हम कर लेंगे, नेट प्रॉफिट दिया है 7,00,000 का आफ्टर कंसीडरिंग द फॉलोइंग। यहां से ही मुझे क्लियर हो रहा है कि आफ्टर है तो इसका मतलब बिफोर निकालना पड़ेगा ये सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद, ठीक है गाइस। और उसके बाद क्या करना पड़ेगा हमें, उसके बाद फॉलोइंग सेकंड में क्या लिखा है, सेकंड टेबल में फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, तो यहां पे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का भी इंपैक्ट लेना है, और कैलकुलेट क्या करना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट की एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो फाइंड करना है। तो गाइस यहां लिख लिया क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है गाइस, और यहां पे इसको सेंटर लाइन कर देते हैं पेज को, ओके। तो यहां पे लिख लेते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है गाइस, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, राइट ऑफ। तो अब इसमें हमें वो क्या कह रहा है, उसने तो पहले हमें बता दिया कि नेट प्रॉफिट 7,00,000 है आफ्टर, तो यहां पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट आफ्टर टैक्स, ठीक है, तो ये क्या है 7,00,000, ठीक है जी, ये 7,00,000 है। बट अब यदि ये ध्यान से देखो तो ना तो इसमें टैक्स गिवन है, टैक्स नहीं गिवन है ना बेटे, टैक्स गिवन नहीं है, डिविडेंड गिवन नहीं है, रिजर्व्स गिवन नहीं है, प्रपोज्ड डिविडेंड गिवन नहीं है, और डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स गिवन नहीं है, तो इसका मतलब फिर ये नेट प्रॉफिट आफ्टर नहीं रहा, अब ये फिर हमारे लिए बिफोर ही है, ये क्या है हमारे लिए बिफोर ही है, तो अब मैं इसको इग्नोर कर देता हूँ, आफ्टर नहीं लिखूंगा मैं, मेरे लिए ये सिर्फ नेट प्रॉफिट ही है, या इसको हम बिफोर भी लिख सकते हैं, ओके, क्योंकि हमें बिफोर टैक्स ही चाहिए होता है कैश फ्लो बनाने के लिए, ठीक है जी। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट आ गया, ठीक है, बिफोर टैक्स आ गया, अब इसमें ऐड क्या करेंगे गाइस, हम नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस, ठीक है जी, और वो कौन से गिवन है गाइस, हमें डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, तो वो क्या है डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, ये कितना है गाइस हमारे पास 40,000, तो 40,000 इसमें मैं क्या करूंगा,
ऐड कर दूंगा। और उसके बाद क्या है, गुडविल अमोर्टाइज, गुडविल अमोर्टाइज, तो ये भी तो एक तरह की डेप्रिसिएशन है। ये कितने रुपए की है, 20,000 की, तो इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। गेन को लेस करना होता है जो सेल ऑफ लैंड पे है, और अपोर्शनमेंट ऑफ प्रॉफिट व्हाट जनरल रिजर्व, हाँ ये जनरल रिजर्व वाला ऊपर ऐड करना रहेगा। यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि फिर मैं इसको यहाँ चेंज कर लेता हूँ। नेट प्रॉफिट आफ्टर ऐड क्या करेंगे, रिजर्व्स। रिजर्व्स कितना है, उसको हमने पहले देखा नहीं था कि वो है, ये 60,000 का रिजर्व आ गया, तो ये क्या बन गया, 7,60,000। ठीक है, तो अब ये बन जाएगा एनपी बिफोर टैक्स, एनपी बिफोर टैक्स आ गया। ठीक है जी, एनपी बिफोर टैक्स आ जाएगा 7,60,000। ठीक है, तो ये गुडविल अमोर्टाइज आ गई, और ये हमारे पास बन गया 7,60,8,820,000 ये आ गया। ठीक है, और इसमें अब मैं लेस क्या करूंगा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन से गाइस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है हमारे पास गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, ये है गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, वो कितने की है गाइस, 90,000 की। तो 90,000 हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से माइनस करना पड़ेगा, तो 8,20,000 में से हमें 90,000 माइनस कर देते हैं, 8,20,000 में से 90,000 माइनस कर देते हैं, तो वो आ जाएगा 7,30,000। कितना आ जाएगा गाइस, 7,30,000। तो ये 7,30,000 हमारा क्या आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये क्या आ जाएगा गाइस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हम यहां लिख देते हैं ऑपरेटिंग, क्योंकि नीचे मेरे पास वहां स्पेस नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ गया हमारे पास, 7,30,000। 7,30,000, तो अब हमारे पास क्या करने को रहेगा, जो वर्किंग कैपिटल के आइटम्स हैं उसको एडजस्ट करना है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स देखो गाइस, क्लोजिंग बैलेंस 50,000, ओपनिंग बैलेंस कितना, 75,000, तो 25,000 कम हो रहा है, तो इसका मतलब लेस करेंगे, लेस डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, तो ये क्या आ जाएगा, ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स कितना माइनस होगा, 25,000 का, तो ये 25,000 इसमें हमें माइनस करके दिखाना है। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल 15,000 बढ़ गए, पिछले साल 60,000 थे, इस साल कितने, 75,000। ठीक है जी, क्लोजिंग 75,000 ना, तो 15,000 बढ़ गए, तो इसमें भी हम लिखेंगे, लेस करेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट एसेट, तो उसमें क्या आ जाएगा, उसमें आ जाएगा आपका ट्रेड रिसीवेबल, क्या आ जाएगा गाइस, ट्रेड रिसीवेबल, तो ये क्या आ गया, 15,000 का, ये कितना आ गया, 15,000, और ये भी हमें लेस करना है, राइट हो, ओके। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं, मतलब करंट एसेट कम हो रही है, तो वो ऐड में जाएगी, तो इधर लिखेंगे ऐड इंक्रीज इन करंट एसेट, और वो क्या है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, वो क्या है गाइस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, और ये कितने के हैं हमारे पास, 8,000 के, तो 8,000 यहां ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 7,38,000। 7,38,000 में से ये 40,000 में माइनस कर देना है, तो 6,98,000 हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये आ जाएगा हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है गाइस, तो उसने कहा था हमें इस क्वेश्चन में कि उसके पास नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, ये सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद, ठीक है, बट वो एडजस्टमेंट जो रिजर्व्स वाली है वो बिफोर टैक्स के या एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स के साथ ऐड होती है, बिफोर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करने के लिए, वो हमने ये ऐड कर लिया, ये कैलकुलेट करनी फिगर। उसके बाद नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जैसे कैश एक्सपेंसेस है, ठीक है, ये नॉन कैश एक्सपेंसेस है, डेप्रिसिएशन और गुडविल का, उसको ऐड कर लिया, ठीक है, और साथ में लेस क्या करते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, तो ये हमारा क्या आ गया, 7,30,000 ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 7,30,000 आ गया बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। उसके बाद ऐड कर देंगे हम इंक्रीज इन करंट एसेट को ऐड करते हैं, और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी को लेस करते हैं, और इंक्रीज इन करंट एसेट को लेस करते हैं, ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद हमारा आंसर 6,98,000 आ गया। तो गाइस ये रहा हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो चलिए आप इसको आराम से नोट कर लीजिए, आप अपने क्वेश्चन को स्लो करके पॉज करके भी वीडियो को
कंप्लीट देख सकते हो। उसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके अपना क्वेरी डालिए, मैं उसका सुटेबल रिप्लाई दूंगा। ओके जी, विशिंग यू गुड लक, डन।